अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ बनाना सिखा रही हूँ, वो है आटा गूंदना। आटा गूंदना तो सबको ही आता है, टिप्स हैं जो कि आपको बतानी पड़ेंगी। कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपके बहुत हेल्प करने वाली हैं आटा गूंदने में। मैं कोई नए तरीके से आटा नहीं गूंदने वाली, बहुत ही सिंपल है और इजी तरीका है, वैसे ही जैसे आप गूंदते हैं। पानी डालें और इसे गूंदते जाएं, हल्के हाथों से गूंदें, बहुत ज़्यादा इसे एकदम से दबाना और टाइट नहीं करना, ऐसे ही पानी डाल के गूंदते रहें। एक दफा सारा आटा आपने वेट कर लेना है। आटे में नमक डालना पसंद करते हैं और हाँ, वो अच्छा होता है। उससे ये है कि रोटी जो है वो लटकती नहीं है, ख़राब नहीं होती, लेकिन हम नहीं इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करते। तो इसे अच्छी तरह वेट कर लिया। और इसे हमने ऑल द टाइम भूनते नहीं रहना, हमने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसे हम ऐसे क्लीन करेंगे। लगा के तो इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे। मैं आटा गूंदते हुए कभी भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। अब बस इसे वेट किया और इसे छोड़ूंगी, इसके ऊपर कवर कर दूंगी और तकरीबन 5 to 10 minutes के बाद फिर मैं इसे एक ऊपर गूंद लूँगी और ये बिल्कुल सही जो है वो हो जाएगा। और अभी ये चिपक रहा है हाथों को, तो इट मींस ये कंप्लीट जो है वो गूंदा नहीं गया। तो 10 minutes के बाद मिलते हैं। 10 minutes हो गए हैं और मैं वापस आ गई हूँ और देखते हैं अब इसका क्या बनेगा। इसको गूंदते हैं, हाथ थोड़े गीले कर लें। कितना स्मूथ हो गया है, इसको मैंने इतना ज़्यादा गूंदा नहीं है, फिर भी ये इतना स्मूथ आटा गूंदा जाएगा ना। बस इसे 2-3 बार ऐसे गूंदूंगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बचपन में मुझे आटा गूंदना बहुत बुरा लगता था और मुझे आता भी नहीं था। जब मामा मुझे कहती थी ना आटा गूंदो, तो मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं आता, तो वो कहती थी चलो फिर आज तो मैं सिखाती हूँ, फिर भी मुझे गूंदना पड़ता था। और जब मैं कहती थी मुझे आता है, तो कहती थी चलो अब तुम्हें आटा गूंदना आता है, अब तुम ही गूंदोगी आज। और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंद लेती हूँ, स्मूद हो गया और ये अब मेरे हाथों पे चिपक भी नहीं रहा। साइड से भी आपने इसे साफ कर लेना है। परफेक्ट हो गया। अब मैं इसे बाउल में रखूंगी, साइड पे रख दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट भी आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।